किसी गांव में उज्जवल नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत निर्धन था। निर्धनता से तंग आकर एक दिन वह गांव छोड़कर दूसरे स्थान के लिए निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँटनी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर लौट आया। अब समस्या पैदा हो गई कि वह ऊँटनी को चारा कहाँ से खिलाए। उसने ऊँटनी को कूटे से बांधा और उसके लिए चारे का प्रबंध करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने वृक्षों की पत्ती भरी शाखाएं काटी और उन्हें ले जाकर ऊँटनी के सामने रख दिया। भाग्य ने साथ दिया और कुछ ही दिनों में उसके पास ऊँट ऊँटनियों का एक समूह हो गया। अब उसने उनकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रख लिया। इस प्रकार उसका ऊँटों का व्यापार खूब चलने लगा। ऊँट दिन भर तो तालाब या नदी किनारे चरा करते और शाम को घर लौट आते थे। उन सबके पीछे वही ऊँट होता था जिसके गले में बढ़ई ने घंटा बांध दिया था। अब वह ऊँट स्वयं पर कुछ ज़्यादा ही गर्व महसूस करने लगा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शेष ऊँट तो शाम होते ही घर पहुंच गए, किंतु वह घंटाधारी ऊँट वापस न लौटा। वह जंगल में कहीं भटक गया। उसके घंटे की आवाज़ सुनकर एक शेर उस पर झपट पड़ा और उसने तीक्ष्ण नखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। यह कथा सुनकर वानर बोला, तभी तो मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने हितैषियों की बात नहीं मानता उसकी ऐसी ही दशा होती है।